जिसे पहले बड़ोदरा के नाम से जाना जाता था, गुजरात राज्य का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है। ये एक शहर है जहाँ का महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय अपने सुंदर स्थापत्य के लिए जाना जाता है। वडोदरा गुजरात का एक महत्वपूर्ण नगर है। वडोदरा शहर वडोदरा जिले का प्रशासनिक मुख्यालय पूर्वी मध्य गुजरात राज्य पश्चिम भारत अहमदाबाद के दक्षिण पूर्व में विश्वामित्र इसका सबसे पुराना उल्लेख 812 ई के अधिकारदान या राजपत्र में है, जिसमें इसे वादपत्रक बताया गया है। ये अंकोत्का शहर से संबंध बस्ती थी। इस क्षेत्र को जैनियों से सीनने के वाले डोडिया राजपूत वंश के राजा चंदन के नाम पर इसे चंदनवाटी के नाम से भी जाना जाता है। समय समय पर इस शहर के नए नामांकन होते रहे हैं, जैसे वारावती, वादपत्रक, बड़ौदा और वडोदरा, और 1971 के बाद में वडोदरा इसका नाम रहा है। वडोदरा में एक खूबसूरत रेलवे स्टेशन है और दूसरा एक खूबसूरत हवाई अड्डा भी शामिल है इसमें। वडोदरा जिला 7,788 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो नर्मदा नदी दक्षिण से माही नदी उत्तर तक विस्तृत है। ये लगभग पूर्व बड़ौदा रियासत गायकवाड़ राज्य की राजधानी के क्षेत्र या जिले के बराबर ही है। 2001 की जनगणना के अनुसार वडोदरा शहर की कुल जनसंख्या 13,06,035 व जिले की कुल जनसंख्या 36,39,775 करीब है। दोस्तों, ये बड़ोदरा का पार्ट नंबर 2 है, और पार्ट नंबर आप 1 भी देखना चाहते हो तो चाहे वो वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ तो आप देख सकते हैं। तो गाइज, इस वीडियो में मैंने आपको बड़ोदरा सिटी का रिव्यू दिया है। तो गाइज, ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा।
गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नई जगह के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।